अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन एंड टेक में आप लोगों करता हूँ खुशामदीद। गाइस हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन की। तो पिछला लेक्चर मैंने कराया था आप लोगों को ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। तो ये जो लेक्चर है हमारे पास गाइस बहुत ईजी है और मतलब कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। मतलब जो मैट्रिसेस गिवन होते हैं पूछा जाता है कि इनको ऐड करो तो एडिशन का क्या बनेगा। तो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जिनकी नहीं है तो वो लोग डायरेक्ट मेथड पे आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ए से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अभी ए हमारे पास गिवन है ये मैट्रिक्स 3, 2, 7, 1, बी से हमारे पास है 3, 6, -1 और 4। तो मैंने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ए प्लस बी एंड बी माइनस ए, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी और एडिशन भी हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू, अभी ए मैट्रिसेस लिखेंगे 3, 2, 7, 1 प्लस बी लिखेंगे गाइस हमारे पास 3, 6, -1 एंड 4। अभी क्या करेंगे इनको ऐड, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग इससे भी पिछले लेक्चर में जो मैंने कराया था उसमें थे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम लोग देखते थे कि अननोन फंक्शन की वैल्यू जैसे हम लोग फाइंड की थी। अगर आपको वो लेक्चर समझ आया तो यहाँ इसको एडिशन में आप लोगों को कोई मसला नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 3, तो क्या करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 प्लस 6, इसका क्या है 7 एंड माइनस वन, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 7 में से 1 निकालेंगे और हमारे पास 1 प्लस 4। तो गाइस हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 6, 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, 7 माइनस वन हो जाएगा 6 और 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया ए प्लस बी का आंसर। अब हम करेंगे बी माइनस ए, तो गाइस हमारे पास बी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, अब सबसे पहले यहां लिखेंगे बी, अब 3, 6, -1, 4, माइनस में लिखेंगे ए 3, 2, 7, 1, 3, 2, 7, 1, ये हमारे पास हो गए दो मैट्रिसेस। अभी माइनस करने हैं, जैसे यहाँ एडिशन में किया था वैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अब 3 में से 3 निकालेंगे गाइस 3 माइनस 3, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उन्हीं को हम लोग प्लस माइनस करते हैं। अभी 6 में से 2 निकालेंगे 6 माइनस 2, अभी -1 में से -7 निकालेंगे -1 -7, अभी ये माइनस फार्मूले वाला है और ये -1 इस वैल्यू का अपना है, तो अभी 4 माइनस 1, अभी क्या हो जाएगा गाइस बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 में से जब 3 निकालेंगे गाइस हमारे पास 0 बचेगा, 6 में से जब 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा, माइनस और माइनस गाइस हमारे पास हो जाता है प्लस, प्लस लेकिन साइन जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू वाला लगता है तो बड़ी वैल्यू वाली वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो ये हमारे पास आएगा -8। जब दो साइन गाइस सेम होते हैं तो जिसको लाइक साइन भी बोला जाता है तो उस टाइम क्या होता है प्लस, जब दो साइन अनलाइक होते हैं अपोजिट होते हैं प्लस हो एक माइनस हो तो वो लोग क्या हो जाते हैं माइनस। अब 4 में से 1 निकाला तो 3 बच गया। अब ये हमारे पास गाइस हो गया सब्ट्रैक्शन। अगर आप लोगों को वो लेक्चर अननोन फंक्शन वाला आपको समझ आ गया कि मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ए और बी हम लोगों ने किस तरह से फाइंड किए थे तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी की तरह है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। बस हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट हो।